जय हिंद। मैसेल्फ संदीप गुप्ता, सबमरीनर, इंडियन नेवी, रिटायर्ड। रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, ऑल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ HRD, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ऑल कमांडिंग ऑफिसर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कमांड्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, सेलिब्रिटीज ऑफ बॉलीवुड एंड TV, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हॉस्पिटल ऑनर्स, सीनियर डॉक्टर्स, TV रिपोर्टर्स, पत्रकार बंधु, जर्नलिस्ट, मेयर ऑफ ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, HOD ऑफ ऑल हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड पब्लिक स्कूल्स, टीचर्स, ऑल ट्रेड यूनियन लीडर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल जिला सैनिक कल्याण बोर्ड OIC अधिकारी, ऑल एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल स्पोर्ट्स एसोसिएशन। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं। इंडियन नेवी की तरफ से मैंने क्रिकेट खेला है काफी अच्छे लेवल पर, बैडमिंटन भी खेला है। तो मैं ऐसे तमाम जो क्रिकेट और बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, जो भी तमाम संघ हैं, जो एसोसिएशन है, मैं उनसे अपील करूंगा, उनके अंडर जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। एंड माई डियर नेवल बैचमेट्स, ऑल सर्विस एंड रिटायर्ड पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और मेरे स्टूडेंट्स ओल्ड एंड न्यू, और भी वो तमाम लोग जो छूट गए हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, बड़े बड़े समाज की शख्सियत जो डिफरेंट रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, दून डिफेंस एकेडमी जो अपना एक प्रथम पग, फर्स्ट स्टेप नाम से एक योजना लेके आ रही है ऐसे बच्चों की एजुकेशन के लिए, जिसमें 10th एंड 12th के बोर्ड शामिल हैं, उनके सब्जेक्ट्स शामिल हैं, स्कूलिंग एजुकेशन है बेसिकली ये ऑनलाइन, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है दून डिफेंस एकेडमी की तरफ से। हमारी संस्था दून डिफेंस एकेडमी देहरादून में है, और आज 15 अगस्त 2020 को हमारी संस्था को, हमारी एकेडमी को 15 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। दून डिफेंस एकेडमी की स्थापना 15 अगस्त 2005 को देहरादून में हुई थी। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आज नाम लिया है, मैं ऐसी सभी ऑर्गेनाइजेशन से आज एक अपील करना चाहता हूं। एक्चुअली मेरी संस्था दून डिफेंस एकेडमी इन सभी के बच्चों के लिए जो क्लास 10th और 12th में इस साल पढ़ रहे हैं, यानी कि एकेडमिक ईयर जिनका 2020-21 है, जो आने वाले 2021 में बोर्ड्स के एग्जाम देंगे, जिसमें 10th और 12th के CBSE बोर्ड हो या ऐसे वो तमाम बोर्ड जो NCERT पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनके बच्चों के लिए हमारी संस्था दून डिफेंस एकेडमी एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग लेके आ रही है, जिस योजना का नाम है प्रथम पग। इसके बारे में आप आगे वीडियो में देखेंगे पूरी डिटेल, इसके बारे में आपको आने वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल इसके बारे में मिलेगी। उससे पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं अपने बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, ऑनलाइन कोचिंग में आज की डेट में बहुत सारे पोर्टल हैं जो कोचिंग करा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं भेज देंगे, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों ना हो, जब तक आपको उसके बारे में नहीं मालूम है। सबसे पहले आपको मेरे बारे में, मेरी संस्था के बारे में जानना जरूरी है। मैं 31 जुलाई 2005 को इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुआ, और मैंने इंडियन नेवी में 15 ईयर की सर्विस की है। आई वॉज इन सबमरीन, मेरी पूरी करियर पनडुब्बी में था। मैं देहरादून का रहने वाला हूं और एक बहुत ही लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जो 12th के बाद इंडियन नेवी ज्वाइन किया था।
इंडियन नेवी ज्वाइन करने से पहले बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन मुझे जॉब भी करना पड़ा, काम भी करना पड़ा, साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ी। तो ऐसे आज भी हजारों लाखों बच्चे हैं जो लोअर मीडियम क्लास फैमिली से, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बिकॉज ऑफ COVID-19 इस साल उनकी एजुकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है। अगर हम स्कूल की एजुकेशन की बात करें, और स्पेशली जो 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे हैं, आपको सबको मालूम है क्लासेस स्कूल में नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस कई जगह चल रही हैं, बट वो भी आई थिंक पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है। अब क्योंकि हमारी संस्था दून डिफेंस एकेडमी को 15 साल हो गए हैं, तो हमने सोचा कि ऐसे तबकों को, ऐसे बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग दें, उनके ट्यूशंस दें, बेसिकली जो उनके सब्जेक्ट्स हैं। जो बोर्ड्स हमने इंक्लूड किए हैं फिलहाल वो CBSE बोर्ड हैं, और ऐसे तमाम बोर्ड जो NCERT को पैटर्न को फॉलो करते हैं वो अभी हमने फिलहाल वो इंक्लूड किए हैं। जैसे उत्तराखंड बोर्ड है वो NCERT को फॉलो करता है, ऐसे कई और भी स्टेट बोर्ड हैं जो NCERT पैटर्न को फॉलो करते हैं 10th 12th के साथ साथ CBSE तो है ही। तो मेरा मैसेज आप सभी HOD को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को है कि आपके अंडर इस तरह के कोई भी बच्चे जो ट्यूशन चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, हमारी संस्था दून डिफेंस एकेडमी प्रथम पक फर्स्ट स्टेप नाम से एक योजना लेके आ रही है, जिसका आज 15 अगस्त 2020 से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, और 10 सितंबर 2020 से हम इसका बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारा का सारा ऑनलाइन होगा। हमारे पास हमारी फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है DDA का, हमारी वेबसाइट, कैसे एनरोलमेंट करना है, उसकी तमाम जानकारी आपको आने वाली वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, आपको उस व्यक्ति के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। मैंने 1990 में इंडियन नेवी ज्वाइन की, बड़ी हार्डशिप के बाद जॉब की, कॉमिक शॉप चलाई, उसकी डिटेल भी हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि जब हमने 15 साल पूरे किए हैं, 15 साल जैसे मैंने इंडियन नेवी में जॉब की है, पेंशन से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, और 15 साल हमने दून डिफेंस एकेडमी के कंप्लीट किए हैं, तो क्यों ना सोसाइटी के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो कभी मेरी तरह थे एक टाइम पे, जिनको प्रॉपर एजुकेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन नहीं मिल पाई, जो आगे भी पढ़ना चाहते थे, ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाह रहा था। तो वही सोच के मैंने इस योजना का, जिसका नाम प्रथम पग है, फर्स्ट स्टेप है, आज इसका इनोग्रेशन किया है। 15 साल मैंने नेवी में जॉब की, 31 जुलाई 2005 को मैंने इंडियन नेवी से VRS लिया, देन आई हैव स्टार्टेड दून डिफेंस एकेडमी ऑन 15th अगस्त 2005, और आज 15 साल कंप्लीट हो गए हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आपको इन्फॉर्म करते हुए, आपकी जानकारी में ये चीज आते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी एकेडमी से पिछले 15 वर्षों में लगभग 8,500 से ज्यादा बच्चे, 8,500 इससे ज्यादा बच्चे आज इंडियन आर्म फोर्सेस, आप उसमें इंडियन नेवी बोले, आर्मी बोले, एयरफोर्स बोले, मर्चेंट नेवी बोले, पैरामिलिट्री फोर्सेस बोले, इन सब में, इन तमाम जगहों पे आज दून डिफेंस एकेडमी के बच्चे देश की सेवा कर रहे हैं, और एक अच्छा करियर उनका बन चुका है। काफी लोग दून डिफेंस एकेडमी के बारे में जानते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो सभी जगह हमारे बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन जो ये मेरा मैसेज, जो हमारे बारे में नहीं जानते, अगर हम उनको कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन 10th 12th के बच्चों को, तो उनके लिए ये जानकारी देना जरूरी था। कंप्लीट डिटेल हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है, और आने वाली वीडियो में भी आपको मिल जाएगी। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा टारगेट है, COVID-19 के इस दौरान ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स पूरे तन मन धन से लगे थे देश की सेवा में, COVID-19 पेशेंट्स की सेवा में, अपनी जान की परवाह किए बिना, जिसकी वजह से शायद उनकी फैमिली भी नेग्लेक्ट हुई, उनके बच्चों की पढ़ाई भी नेग्लेक्ट हुई, अब हमने दून डिफेंस एकेडमी ने वो बीड़ा उठाया है ऐसे बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट कराने का ऑनलाइन, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज उन तमाम जगह तक पहुँचाएं, ऐसे बच्चों तक पहुँचाएं, ऐसे पेरेंट्स तक पहुँचाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचाएं जिनको कोचिंग की ज़रूरत है, ट्यूशन्स की ज़रूरत है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं पे ट्यूशन पढ़ने की या कहीं और पे।
उनको ना सिर्फ हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, बल्कि कोचिंग के साथ साथ हम उनको इंडियन आर्म फोर्सेस, मर्चेंट नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, एसएससी, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, जनरल स्टडीज की क्लासेस, वो सब उनको साथ साथ हम प्रोवाइड करेंगे अपार्ट फ्रॉम देयर नॉर्मल सब्जेक्ट्स, सो दैट 12th के बाद वो भी किसी कंपटीशन में बैठ के जो मैंने बताया उसको क्लियर कर सकें और 12th के बेस पे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, उनकी जॉब लग जाए, ताकि वो अपने परिवार की सहायता कर सकें, हेल्प कर सकें जिनको बहुत ज़रूरत है। ये एक बहुत नोबल कॉज है, ये एक ड्रीम है मेरा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। 15 साल पूरे होने पर हमने तमाम काम इसके लिए किए हैं। हमारा पूरा रिजल्ट हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, फैकल्टी देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.dhoondefenseacademy.com पर, या हमारा जो DDA डिजिटल प्लेटफॉर्म है www.ddaonlineclasses.com, उस पर सारी जानकारी अवेलेबल है। तो मेरा इन सभी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंने नाम लिया है, उनके HOD से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर ये मेरा मैसेज, मेरा ये वीडियो, जो मेरा जो संदेश है वो पहुंचाएं, ताकि ऐसे बच्चे जो आपके अंडर हैं, आपके डिपार्टमेंट के अंडर हैं, जिनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ये इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। बहुत अच्छी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, हम उनका 10th 12th दोनों का कोर्स कंप्लीट कराएंगे, जो आने वाले फरवरी 2021 में उनका एग्ज़ाम होना है, और साथ साथ उनको बहुत और भी अलग क्लासेस मिलेंगी, मोटिवेशन लेक्चर मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा, आप में से भी कई लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि समय समय पे आप आए और बच्चों को मोटिवेट करें ऑनलाइन लेक्चर के द्वारा हमारे प्लेटफॉर्म से। तो मैं आज फिर लास्ट में इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से अपील करता हूं जो मैंने इनका नाम लिया है, जैसे कि मेरे बारे में शायद थोड़ा बहुत आपको मालूम चल गया होगा, मेरी संस्था के बारे में थोड़ा बहुत आपको मालूम चल गया होगा। प्लीज आए, ये कॉन्सेप्ट को समझे। प्रथम पक, फर्स्ट स्टेप जो ये योजना है, वो मैंने नाम भी इसलिए दिया है, उनका पहला स्टेप प्रथम पक ये होगा, उनकी 10th और 12th की अच्छी पढ़ाई हो, सो दैट उनकी अच्छी परसेंटेज आ सके। सेकेंड स्टेप उनका होगा जहां भी उनका सिलेक्शन हो, और अंतिम पक उनका होगा जहां उनका सिलेक्शन होगा, जब वहां से वो पास आउट होंगे तो वो उनका अंतिम पग होगा। अगर हमारी संस्था, मेरी संस्था दून डिफेंस एकेडमी की वजह से थोड़े बहुत बच्चों की भी जिंदगी में कामयाबी आ सकी, जॉब मिल सकी आपके माध्यम से, तो ये आपकी नहीं, हमारी नहीं, हमारी आपकी आपस की सफलता होगी, एक सक्सेस स्टोरी रहेगी, और ऐसे बच्चे सबको दुआएं देंगे। मैं लास्ट में ये फिर से अपील करता हूं, पूरी जानकारी इसकी आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, किस तरह से एनरोल करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से फैकल्टी है। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से भी कि एक बार बच्चों को बोले ज्वाइन करके देखें, 10-15 दिन अटेंड करके देखें, अगर उनको ठीक ना लगा तो छोड़ सकते हैं। ये हमारा दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चलेंगी, हमारा खुद का पोर्टल है उस पे चलेंगी, तो इसकी कोई फीस नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि इसके साथ साथ हम उनको स्टडी मटेरियल भी भेजेंगे जो उनके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के में काम आएगा। तो एटलीस्ट 10-15 दिन वो क्लास अटेंड करके देखें, अगर ठीक लगता है तो कंटिन्यू रहें, अगर ठीक नहीं लगता तो छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट वो ट्राई करें। हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी के साथ कर रहे हैं, फिर भी वो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप एक बार ये मैसेज शेयर करें, और एक बार उन बच्चों को बोलें जो उनके पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, एक बार अपने बच्चों को ज्वाइन कराएं, 10 सितंबर से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, 10-15 दिन अटेंड करके देखें, आई एम श्योर आपके बच्चों को ना सिर्फ समझ आएगा बल्कि उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हमारी एकेडमी का तो मोटो ही है इन द मेकिंग ऑफ क्वालिटी सिटीजन कंट्री फर्स्ट, अच्छा नागरिक, हमको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है बल्कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, वो भी एक मकसद है हमारी कोचिंग का, हमारी शिक्षा का। तो आइए, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, एक बार आगे का वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा प्रोसेस मालूम चल जाएगा। मैंने अपने बारे में, मेरी संस्था के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी है, कब से ये चल रहा है, क्या क्या इसके रिजल्ट हैं, सब कुछ जानकारी आपके पास अवेलेबल है। बस आप कोशिश करें, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आपके अंडर जो भी डिपार्टमेंट में लोग हैं,
जिनके बच्चों को ट्यूशन चाहिए 10th और 12th की, वो आगे आए एनरोलमेंट करें, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनरोलमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आगे आपको मालूम चल जाएगा कैसे होना है। और उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि एक बार ट्राई जरूर करें। एंड आई एम श्योर अगर हमारी क्लासेस अटेंड करेंगे 10th और 12th में, ना सिर्फ वो अच्छे नंबर लेके आएंगे बल्कि आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए जो 12th के बेसिस पे जॉब निकलती है उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।